कोबरा दिगेंद्र कुमार देश के वो नायक हैं जिन्हें 30 साल की उम्र में तत्कालीन राष्ट्रपति केआर नारायण ने देश दूसरे सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से नवाजा था। करगिल युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी टीम के सहयोग से 48 पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर न केवल देश को बड़ी कामयाबी दिलाई बल्कि 5 गोलियां लगने के बावजूद पाकिस्तानी मेजर की गर्दन काटते हुए तोलोलिंग की चोटी पुनः फतेह की और 13 जून की प्रभात बेला में तिरंगा लहरा दिया। देखिए करगिल के हीरो कोबरा नायक दिगेंद्र कुमार की वीर गाथा। कारगिल युद्ध में अपने वीरतापूर्ण कार्यों के लिए सम्मानित किए गए महावीर चक्र से दिगेंद्र कुमार जी हमारे साथ है जो पूरे उस कारगिल युद्ध की जानकारी हमें देंगे। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सर आप को हमारी तरफ से जय हिंद वंदे मातरम। आज 25वीं वर्षगांठ पे इंडिया न्यूज के जितने भी श्रोता हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद वंदे मातरम। मैं टू राजदीप का वो सैनिक हूँ जो आज से 25 साल पहले हमारे को कारगिल युद्ध में हमारी बटालियन 2 राजपूताना राइफल्स को भेजा गया। उस टाइम पर हम कारगिल युद्ध में नहीं थे, हमारी बटालियन मतलब कुपवाड़ा में थी, तो कुपवाड़ा से हमारी बटालियन को 72 घंटे का टाइम दिया गया और उसके बावजूद हमारी 36 घंटे में हमारी द्रास के अंदर हमारी बटालियन 2 राजदीप पहुँच गई। हमारे सी ओ साहब कर्नल MB रविंद्रनाथ ने हमारे को टास्क दिया कि जो तोलोलिंग पहाड़ी है उसके ऊपर भारतीय सेना ने 3 हमले किए। एक बटालियन के 18 बेटे शहीद हो चुके और उसको पिन डाउन किया गया। दूसरी बटालियन के 18 बेटे शहीद हो गए, उनको पिन डाउन किया गया। तीसरी बटालियन के 28 बेटे शहीद हो गए, डेड बॉडी भी ऊपर पड़ी हुई है। इसलिए टू राजदीप को महत्वपूर्ण टास्क दिया जाता है। जो तोलोलिंग टॉप है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉप जगह है और टू राजदीप के बहादुर और बब्बर शेर जवानों अभी हमारा 3 में अमरीकी करके आते हैं। उसके बावजूद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हमारा दरबार लेंगे जनरल वेद प्रकाश मलिक साहब। तो उस टाइम पर मैं एक कोबरा टीम थी हमारी घातक बोलते हैं उसको, उसका कमांडर था मेरे जो प्लान होलदार थे वो छुट्टी पे थे, मैं लैस होलदार था, मैं नायक था। तो उस जगह पर हमने सीओ साहब के साथ गए और तोलोलिंग की पूरा की रेकी करी। रेकी करने के बाद में वहाँ पता चला कि वहाँ बहुत ज़्यादा दुश्मन डिप्लॉयड है, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में है और पाकिस्तान आर्मी है वहाँ पर। वो 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है या 5 थी ऐसे मेरे सुनने में आया है। अब वो कौन सी थी वो मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन आजकल लोग बताते हैं अगर वो 6 NLI थी। मैं तो हमेशा बोलता था वह 5-6 ऐसे ही बोलते थे वो। तो वो पाकिस्तान की वहाँ एक कंपनी डिप्लॉयड थी, उनका एक अफसर था मेजर अनवर खान जो वहाँ उनका कंपनी कमांडर था, तो वो तोलोलिंग पर डिप्लॉयड थे। हमारे सीओ साहब कर्नल MB रविंद्रनाथ गया और हमने तोलोलिंग की रेकी करी। रेकी करने के बाद में हम वापस आए नीचे तो हमारा दरबार हुआ। दरबार में जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बताया कि ये तोलोलिंग वो पहाड़ी अगर ये नहीं ली गई तो हिंदुस्तान की इतिहास में पहली बार हार का मुँह देखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि टू राजदीप एवरी विक्टोरियस बटालियन है और ये बटालियन आज तक भी कभी भी किसी युद्ध में, 200 साल से भी पुरानी यूनिट है ये कभी भी किसी युद्ध में आज तक नहीं हारी है। ये इसने हमेशा भारत को, हमेशा हिंदुस्तान को पहली जीत दिलाई है। तो मैं चाहता हूं कि कारगिल युद्ध की भी पहली जीत टू राजदीप के नाम लिखी जाए। तो सब तैयार हो गए। अब वहाँ जनरल मलिक साहब ने बोला कि भाई ऐसा कमांडर कौन है जो सेक्शन कमांडरों में जो ये तिरंगा फहराने के लिए वॉलंटियर हो। तो उस जगह पर कोई हमारी सेना में कोई वॉलंटियर नहीं हुआ, मैं सबसे पीछे था। मैं को सर जय हिंद बेस्ट कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी नायक दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा सर सेना मेडल। बोले हाँ बेटा कोबरा तू वही है जो 13 मई 1999 को 4 उग्रवादी कपवाड़ा में दौड़ा कर मारे थे। मैं को सर वही हूँ मैं। बोले शाबाश तेरी बहादुरी के किस्से हमने सुने बेटे, पर तोलोलिंग पर झंडा फहराओगे? हम को सर टू राजदीप 100% फहराओगे तोलोलिंग पर झंडा। बोले शाबाश बेटे। तो वो झंडा लिया मैंने मलिक साहब से और आशीर्वाद लिया और फिर मैंने 14 घंटे में पीछे से रस्से बांधा और वो रस्सा डॉक्यूमेंट लिया और लेने के बाद मैं अपने सीओ साहब को बता दिया। मैं सर मैंने तो रस्सा बांध दिया। अब बोले अभी अपने को सीओ उससे बात कर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से। मैं सर मैं बोले हाँ युद्ध है बेटा कर सकता है। बोले तो मैंने बात करी मो सर कोबरा। बोले हाँ बेटे बोल मेरे बेटे भगत सिंह।
मेरे को जब भगत सिंह बोलते मैं समझाया कि चीफ मतलब उसमें बात कर रहा है कोडवर्ड भाषा में, तो मेरे को सर असम्बली में बम फेंक दिया, यानी कि रस्सा बांध दिया मैंने, और बोले शाबाश मेरे बेटे 48 घंटे पहले तो हिंदुस्तान की फर्स्ट विक्ट्री यानी पहली जीत मुबारक हो तुम्हारे को टू राजदीप को। 48 घंटे का नाम लेते मेरे दिमाग में आई कि हम आ रहा तो 10 तारीख हुई है, इसका मतलब 12 जून को अटैक मारा जाएगा, मतलब इशारे इशारे में उन्होंने बता दिया मुझे। और शिव साहब को मेरे को पता ही था कि भाई 12 जून की रात को टू राजदीप अटैक मारेंगे, और 12 जून को हम गए तो उसी टाइम में मेरी सेक्शन छोटी सी थी, 6-7 आदमी थे, उसी मेरी सेक्शन के अंदर शिव साहब ने ज़्यादा कर दिए, मेरा कंपनी कमांडर खुद मेजर विवेक गुप्ता, सुबदार बाहूलाल भाकर और सुबदार सुमेर सिंह राठौर, CHM यशवीर और हौलदार सुल्तान सिंह नरवारिया, नायक चिमन, नायक सुरेंद्र, लहस नायक बच्चन और राइफलमैन जसवीर और दसवा में, ये हमारे टू राजदेव के सबसे तगड़े कमांडो थे। और वो कमांडो तो हमारे को टाच दिया कि आप जो दिगेंद्र ने रस्सा बांधा है ना, वो या तो मैं जानता हूँ या दिगेंद्र जानता है कि उसने कहाँ रस्सा बांधा है, तो वहाँ गुप्ता साहब आप वहाँ से चढ़ाई करो और मैं चार्ली कंपनी की कमांड करता हूँ। हमारे सीओ साहब चार्ली कंपनी की कमांड करते हुए आगे की तरफ बढ़ते, हम पीछे से तो लोलिंग पे इस प्रकार से रस्सा बांधते हुए और आगे की तरफ चढ़ाई करते। अब 12 जून की रात को इसके ऊपर जैसे फायर आ रहा था, उस फायर को थोड़ा ऊंचा करा, और उससे पहले हमने प्लान बनाई थी गुप्ता साहब ने, हमने प्लान बनाई थी, बोले दिगेंद्र क्या प्लान करें, मम्मी को साहब प्लान तो यही है दुश्मन को बैंकरों को उड़ाएंगे। बोले वो कैसे, मो सर पहला बैंकर उड़ाने की जवाबदारी मेरी, तो बहरलाल बोलता दूसरा मेरी, सुमेर सिंह राठौड़ बोलता तीसरी मेरी, CHM यशवीर बोलता चौथी मेरी, तो गुप्ता साहब बोले मैं गुड़ पर निकले आया हूँ, पांचवा मैं उड़ाऊँगा। मुझको ठीक है साहब, कंपनी को अंडर साहब आप बीच में अच्छे लगते हो, ये हमारी बातें होती। फिर हौलदार सुल्तान सिंह नरवारिया और नायक चमन, नायक सुरेंद्र, लहस नायक बच्चन, हम 10 के 10, और बोले दिगेंद्र अगर कहीं बैंकर 12-13 हुए तो मम्मी को सर हम बैंकरों के अंदर ठोकेंगे, हमारे में जो भी बंदा बचेगा वो फिर उसके अगला बैंकर को बर्बाद करेगा। तो बोले फर्स्ट में तो तू जा रहा है, तो बोले फर्स्ट बैंकर लास्ट भी तू ही बर्बाद करेगा। मैं कहा ओके सर, फर्स्ट भी मैं बर्बाद करूँगा, लास्ट भी मैं करूँगा। और हम जैसे ही 12 जून की रात को चढ़ते हैं तो फुल अन्वेषण ले लिया हमने, पूरा अन्वेषण ले लिया, 18 हैंड ग्रेनेड लिए और 350 गोलियाँ, K47, एक पिस्टल, एक कमांडो डाइगर जो चक्कू इतना बड़ा होता है, जो साइनाइड में डबाया होता है, वो आदमी को टच करते ही आदमी ऊपर चला जाता है। तो ये सामान लेकर 12 जून की रात को हम ऊपर चढ़ते हैं, और जैसे ही ऊपर चढ़े और वो फायर को ऊपर करवाया हमने ऐसे, और फायर करते ही आगे की तरफ जैसे बढ़ते जाते हैं, और जैसे ही दुश्मन के बैंकर के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ बर्फ पड़ी हुई थी, तो कहीं काला पत्थर थे, कहीं सफ़ेद सफ़ेद बर्फ के टुकड़े थे, तो वो मिसाइल टकराऊ जब रोशनी होती है, अन्यथा कुछ नहीं दिखाई दिया था, बहुत गहरी अंधेरी रात थी 12 जून को। और जैसे ही मतलब वह उसके अंदर गया, दुश्मन के बैंकर के पास गया, मैं सोचा है कहीं काला पत्थर है, मुझे नहीं पता था ये दुश्मन का लूप होल है यानी झांकी है। और जैसे मैंने ऐसे हाथ मारा, दुश्मन की बैरल मेरे हाथ में आ गया जी, और बैरल आते ही मैंने अपनी तरफ जैसे खींचा, वो संतरी पाकिस्तानी खड़ा ही था कोई, उसने डड डड फायर किया, तो पहले गोली यहाँ लगी और 3 गोलियाँ मेरे सीने में लगी और 2 गोलियाँ K47 में लगी है। इस प्रकार से 1, 2, 3 ये गोली लगी और 2 गोलियाँ के में लगी, वो भी छूट गई मेरे से। अब छूटते ही मैं सोचा दिगेंद्र आज तो एक भी दुश्मन नहीं मारा और अपन तो ख़त्म हो गए। मैंने एंड टू एंड ऐसे हाथ कराया, ग्रेनेड निकालने तो मेरा हाथ काम कर रहा था, मैंने ग्रेनेड काटा, उसकी पिन काटी और उस लीवर को आज़ाद कराया, 1 और 2 और दाड़ा अंदर ठोका ऐसे। जैसे ही अंदर गया, जाते ही मतलब ब्राम दे फटा, अंदर से आवाज है अल्लाह अकबर, काफर काटे, मगो मरा तो है दुश्मन सा, एक भी मरा हो भाई। और उसमें वो 5 थे या 6 थे दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब भी मेरे जो 9 साथी थे, जो मेरे से कोई 10 मीटर कोई 15 मीटर आगे चल रहा था ना, बैंकरों की तरफ जा रहे थे, वो बैंकर उठते ही और उनका मेजर अनवर खान बोले या अली दुश्मन का चौथा हमला फैल करेंगे। तो हमारा सुबदार बहरलाल भाकर बोलता है बोले या अली तो तू छोड़ बोल बजरंग बली और राजा रामचंद्र की जय। और बहरलाल साहब ने जय बोल दी तो उनके 30 आदमी पीछे से आए, जो मेरे 9 साथियों पर ताबड़तोड़ फायर शुरू हो गया। अब मेरे 9 साथियों ने उनको
30 को ख़त्म कर दिया, 30 आदमियों को दरादर दरादर, उन्होंने बिल्कुल गुत्थम गुत्था की लड़ाई में घमासान हुआ। और मेरे पास एक छूट की थी तो मैं अपना फर्स्ट एड किया और उनकी गन ऐसे फायर करिए उन गनों के नीचे जाता हूँ, मेरे किसी साथी ने बैंकर उनको बर्बाद नहीं कर सके। वो जुम्मा मेरे हवाले छोड़ दिया, उन्होंने कहने का मतलब। मैं जैसे ही बैंकर के नज़दीक जाता हूँ गन ऐसे फायर करते हैं, उनके नीचे खाड़ी के अंदर मैं फंसा हुआ हूँ, इधर से गोली मेरे साथ फायर करें तो भी नहीं लगे, वो करे तो भी नहीं लगे मुझे। वो खाड़ी में फंस गया ना, मैं 2-3 फुट की गहरी खाई थी वो, और वो खाई के अंदर ऐसे मैं सांप की तरह रेंगता हुआ जाऊँ, और जहाँ वो गन फायर कर रही है मेरे साथियों पर, वो गन के नीचे जाऊँ और ग्रेनेड को लुबिंग करूँ, ऐसे गब्बेंग बड़ाम अल्लाह खुदा मुगो जात्री, ऐसे गाड़ी ग्लोच हो रहा था हमारा वहाँ। ऐसे सुबह करते 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 मैंने दुश्मन के 11 बैंकर उड़ा दिए।